इसको अपने घर पे मंगाने के लिए क्या क्या गलती नहीं करना है, नहीं अगर आप गलती कर देंगे तो आपके घर पे नहीं आएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसको मंगाने के लिए क्या गलती नहीं करनी मैं आपको बता दूँ सबसे पहले। सब लोग तो बहुत कुछ बताते हैं, मैं ये बताऊँ आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या गलती नहीं करना है इसको मंगाते वक्त, अपने घर पर जब इसको मंगाएं आप। तो मंगाने के लिए जो जो जरूरी बातें थी मैं आपको सब कुछ समझा दिया, आप ऐसे करके अपने घर पर इसको मंगा सकते हैं। बाकी मैं इसको दिखाता हूँ ये अंदर से होता कैसा है, बहुत मेहनत के बाद भैया मिला है, बहुत लोग को जल्दी भी मिल जाता है भाई, मेहनत के ऊपर। इसमें अपना गूगल एडसन पिन तो ऐसे ही नहीं आता है, ये मेरे घर पे आया था गांव पे, तो मैं अभी रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे घर से मैं ग्रेटर नोएडा में मंगवाया, देख सकते हैं आप अपने पोस्ट के द्वारा, क्या बोलते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा मैं मंगवाया उसको घर से, मतलब घर से ग्रेटर नोएडा। बाकी इसमें एक लिफाफा होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, और भाई खुल चुका है, और खुलने के बाद कई साल की मेहनत है भाई, कई साल की मेहनत। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ, कैसे मिलता है, कब मिलता है, और इसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी बता दूँ आपको। बहुत मेहनत से मिलता है, बहुत मेहनत से, एक यूट्यूबर इसको समझ सकता है, यह एक यूट्यूबर की पहली अचीवमेंट होती है पहली। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको समझाता हूँ कि आप कैसे मंगा सकते हैं, आपके यहाँ कैसे आएगा। और देखिए मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताने के लिए छत के ऊपर आ गया, और यहाँ से मैं आपको अच्छे से बताऊँगा इसके बारे में, पूरी जानकारी दूँगा कैसे आता है, कब आता है, मतलब क्या करना पड़ता है इसके लिए। हर हर महादेव, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा गूगल एडसन पिन है, और एक यूट्यूबर के लिए एक पहली अचीवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये आपके घर आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके लिए कैसे अपने, मतलब इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपके घर कैसे आएगा। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैं आपके लिए छत पर है वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये आपके घर पर कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, मतलब पॉइंट पॉइंट बताऊँगा आपको, जैसे सेम मैं किया था वैसे आपको बताता हूँ। बाकी वो तो आपके मेहनत के ऊपर है कि कितना जल्दी आप इसको ला सकते हैं, कितना जल्दी आप, मतलब कितना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आपका चैनल जितना जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी जल्दी से मतलब सब्सक्राइबर तो ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ इसके बारे में आपको बताता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताता हूँ कैसे आप मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तो मोनेटाइज के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कैसे मोनेटाइज होता है, तो उसके बारे में भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और कंटेंट खुद का होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं मोनेटाइज होगा। बाकी क्या होता है कि शॉर्ट वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके गूगल एडसन मतलब डॉलर बने, आपको फिर गूगल एडसन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब आप गूगल एडसन अकाउंट बनाएंगे तो आपके गूगल एडसन अकाउंट में $10 जब शो होने लगेगा, और गूगल एडसन अकाउंट कैसे बनाना है आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि अगर पहले से आपका गलती से बना होगा गूगल एडसन अकाउंट, और जिस ईमेल एक जीमेल से एक ही बार बनता है, अगर गलती से पहले से बनाया फिर दोबारा ट्राई करने लगेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इसको पाना है ना, तो पहले गूगल एडसन अकाउंट चेक कर लीजिएगा कि जिस यूट्यूब से चैनल है या किसी भी मतलब जीमेल अकाउंट से पहले से बना नहीं है आपका गूगल एडसन अकाउंट, अगर ये बना होगा ना तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप दोबारा ट्राई करने लगेंगे। तो ये आपके घर पे कैसे आएगा मैं इस पर बात करता हूँ अब, तो मैं बता दूँ आपके घर पे कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, और जब आपके उसमें क्या बोलते हैं गूगल एडसन अकाउंट में $10 हो जाएगा तो एक्शन बटन आ जाएगा, उसके बाद ये आइडेंटिटी वेरीफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए क्या क्या लगता है मैं उस पर बात करता हूँ। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इस पर मत जाइएगा कि आधार कार्ड है तो हो जाएगा, इसके लिए क्या लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, आपका पासपोर्ट हो सकता है वो भी लग जाएगा, और क्या बोलते हैं अगर आपके पास वो पेन कार्ड है वो भी लग जाएगा, मतलब पेन कार्ड पासपोर्ट और क्या बोलते हैं एक और यार मैं देखिए ड्राइवरी लाइसेंस, ये अगर तीन है आपके पास तो इन तीनों से आप कर सकते हैं वेरीफिकेशन। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन हो गया आपका, उसके बाद क्या होता है कि 10 से 12 दिन बाद मेरा तो 12-13 दिन बाद ये मेरे घर पे आ गया था मेरे गांव पे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये चीज़ वहीं पे डालिएगा, मतलब इसको मंगाने के लिए जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन में आपका पता होगा, जैसे आपके पासपोर्ट पे क्या बोलते हैं पेन कार्ड पे और ड्राइवरी लाइसेंस पे जो पता होगा इसका वही पता डालिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि अगर आप पता कहीं और डाल देंगे हो सकता है आने में लेट हो इसको,
या आपके आप तक पहुँचे ना, आपको दोबारा फिर मतलब अप्लाई करना पड़े तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो उससे अच्छा क्या, मैं तो रहता हूँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और बाकी मैं इसको मंगवाया था गाँव पर अपने, मैं बोला भैया रिक्स क्यों लेना, तो इसलिए आप लोग भी रिक्स मत लीजिए, अपने जहाँ का पता होगा वही डालिएगा, पता और कोई मत डालिएगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है, जब आपके घर पे ये आ जाएगा तो फिर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, जो इसमें कोड होता है ना उसमें, तो उसमें आ जाएगा आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वहीं पे आप 6 अंक का कोड मतलब अपना डालेंगे, 6 अंक का कोड होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, इसमें होता है जो 6 अंक का कोड वही आप डालेंगे। सॉरी मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, मैं बार बार कोई चीज़ आपको बस समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे बहुत सारी दिक्कत हो रही थी इसको मतलब मंगाने में, दिक्कत जैसे ही ना होता है मन में ना घबराहट होती है भाई, इतना मेहनत करने के बाद ही आया है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। मंगाने के लिए जो जो ज़रूरी बातें थी मैं आपको सब कुछ समझा दिया, आप ऐसे करके अपने घर पे इसको मंगा सकते हैं। बाकी मैं इसको दिखाता हूँ ये अंदर से होता कैसा है, बहुत मेहनत के बाद भैया मिला है। बहुत लोग को जल्दी भी मिल जाता है भाई, मेहनत के ऊपर है, फिर मैंने बहुत सारा मेहनत किया भाई तभी मुझे मिला है। देखिए ये कुछ ऐसा होता है भाई, इधर ऐसा 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 सब PIN ऐसे करके है, बाकी इधर देखिए ये ऐसे होता है बस, और कुछ नहीं होता है। सारा खेल इसी का है भाई, सारा खेल इसी का है, इसी नंबर का, 1 2 2 4 2 6 6 अंक के नंबर का मेहनत है। इसको अपने घर पे मंगाने के लिए क्या क्या गलती नहीं करना है, नहीं अगर आप गलती कर देंगे तो आपके घर पे नहीं आएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसको मंगाने के लिए क्या गलती नहीं करनी है मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, सब लोग तो बहुत कुछ बताते हैं, मैं ये बताऊँ आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या गलती नहीं करना है इसको मंगाते वक्त अपने घर पर, जब इसको मंगाएं आप तो सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी है, आपको गूगल एडसेंस अकाउंट आपका चेक करना है कि जिस जीमेल से बना है, ऐसा नहीं कि आप दोबारा उसी पे बना रहे हैं, अगर दोबारा बना देंगे तो भैया फिर गलती हो जाएगी, मतलब दिक्कत हो जाएगी, आपके घर पे नहीं पहुंचेगा। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है इसको मंगाते वक्त, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में पता होता है वही पता इसको उसमें भी डालिए, जो जहां इसको मंगाना है आपको, ऐसा नहीं कि आप कहीं और हैं वहां का पता डाल दीजिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोई और पता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इससे रिलेटेड आपको मैं पूरी जानकारी दे दिया, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके घर पे आ जाएगा। आप बाकी आपको जो जो चेतावनी थी जो नहीं करना वो भी मैं आपको बता दें, जो करना वो भी बता दिया। बाकी आप YouTube पे वीडियो देख के कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो इतना मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी था नहीं, मैं भी YouTube पे वीडियो देखा कैसे मंगाते हैं क्या करते हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि इतने दिन की मेहनत होती है मेरी, तो लगभग 2 साल की मेहनत थी, तो डर होता है, तो आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।